हेलो एवरीवन, आई एम सुजीत कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीमा कंपनी का लेखांकन किस तरह से किया जाता है। बीमा कंपनी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, तो वो अपना अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं, आज हम लोग उस चीज़ पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि मेरा बैकग्राउंड में आप बोर्ड देख पा रहे हैं, वाइट बोर्ड, तो इसमें जो है हमने यहाँ पे पहले से लिख चुका यहाँ पे पहले से हम यहाँ पे लिख चुके हैं कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी जितने भी है ना, वो अपने अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं, अपने हिसाब किताब का लेखा जोखा कैसे करते हैं, आज हम उनके हिसाब किताब पे जबरदस्त हमला बोलेंगे। आखिर वो अपना हिसाब किताब कैसे मेंटेन करता है, उसको कैसे पता चलता है उसका प्रॉफिट कितना हुआ, आखिर ये जो अभी इतना जो पूरा वर्ल्ड में जो फैला हुआ इंश्योरेंस कंपनी, ये अपना अकाउंटिंग किस तरह से करता है, आज हम लोग उस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग का छोटा वीडियो मेरा रहेगा, आज का फर्स्ट वीडियो है मेरा इस पे। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि ये कितने तरह के अकाउंट्स बनाते हैं। तो दोस्तों, पहले हमें यह बात बता दें कि ये अपना जो अकाउंटिंग रखता है किस आधार पर, मतलब कि किस बेस पे रखता है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम पे रखता है। जी हाँ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, ये जो है अपना किस पे रखता है, डबल अकाउंटिंग सिस्टम। दैट मीन्स डेबिट और क्रेडिट, आप ये पहले से ही जानते हैं कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को जो फ्लो करता है वो हो गया यहाँ पे डबल अकाउंटिंग सिस्टम। जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी भी डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फ्लो करता है। चलिए नेक्स्ट बात हम चलते हैं इसका, कि इंश्योरेंस कंपनी जो है अपना जो अकाउंट्स को जो मतलब कि प्रिपरेशन करते हैं, उसमें कौन से अकाउंट्स वो मेंटेन करते हैं। तो जी हाँ, आपने सुनिएगा कि अकाउंट्स में जो पाला आ जाता है उसका रेवेन्यू अकाउंट। क्या जाता है? रेवेन्यू अकाउंट। हम यहाँ पे लिखते हैं बोर्ड पे, पाला जिसका आ जाता है वो आता है रेवेन्यू। जी हाँ, रेवेन्यू अकाउंट इंश्योरेंस कंपनी जो है अपना जो पाला जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है उसके लिए बनाता है वो रेवेन्यू अकाउंट को वो मेंटेन करता है। दूसरा अकाउंट वो क्या मेंटेन करता है, चलिए हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। दूसरा अकाउंट वो मेंटेन करता है प्रॉफिट एंड कॉस्ट अकाउंट, शॉर्टकट में हम लिख देते हैं अकाउंट को। जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी जो है दूसरा अकाउंट मेंटेन क्या करती है, प्रॉफिट एंड कॉस्ट अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, चलिए नेक्स्ट, तीसरा क्या आता है, तीसरा आ जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी जो है तीसरा नंबर पे जो है अकाउंटिंग जो मेंटेन करता है उसमें कौन सा वो करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जी हाँ, पहला क्या हो गया रेवेन्यू अकाउंट्स, दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड कॉस्ट अकाउंट, तीसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ये अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। चलिए चौथा नंबर में क्या आ गया, चौथा नंबर में इसका आ जाता है, जैसा कि आपको भी लग रहा होगा कि भाई ये इतना अकाउंट मेंटेन करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी अब फाइनल डिसीजन पे क्या पहुंचा, कि क्या मतलब किस चीज को वो फाइंड आउट करेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी जो फाइनल में क्या बनाता है, वही लास्टली लास्ट बैलेंस शीट। क्या बनाता है? बैलेंस शीट। देखिए यहाँ पे ये लास्ट में बनाते हैं बैलेंस शीट। अब दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट क्या होता है, ये फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करता है किसी भी कंपनीज का। बैलेंस शीट दैट मीन्स ये यहाँ पे रिफर करता है कि उसका एसेट्स कितना है। एसेट्स बोले तो यहाँ पे फिक्स एसेट और करेंट एसेट्स, और लाइबिलिटीज बोले तो करेंट लाइबिलिटीज और फिक्स लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे बैलेंस शीट यहाँ पे इंडिकेट करता है कि उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या, उसका एक तरह से आर्थिक स्थिति क्या है कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का। तो जब बैलेंस शीट आप तभी बना पाइएगा कि जब उसका रेवेन्यू अकाउंट मेंटेन होगा, जब उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड कॉस्ट अकाउंट मेंटेन होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वो मेंटेन करेंगे।
और लास्ट में इन्हीं के आधार पर उनका बैलेंस शीट का प्रिपरेशन किया जाएगा, तभी वो इंश्योरेंस कंपनी जो है ये सब का कर करके उसको जब पता चलता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, किस तरह से क्या हुआ। तो ये जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, तो वो सारे के सारे ये मेंटेन करते हैं। आज ये मेरा छोटा सा वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, रेवेन्यू अकाउंट पे फुली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम मतलब कि रेवेन्यू अकाउंट्स पे जो है उनका जो फॉर्मेट आपको हम इस बोर्ड पे लिखेंगे और उसको एक बारीकी से तोड़ तोड़ के उसका टॉपिक को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझने का कोशिश करेंगे। ओके, और इसी तरह से हम लोग चलेंगे द नेक्स्ट में प्रॉफिट एंड कॉस्ट अकाउंट पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात एवं प्रकार से हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है सवाल पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट तब जो हम लोग इस पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जो करंट क्वेश्चन आया हुआ है इंश्योरेंस कंपनी का, तो इस तरह से करेंगे। और एक चीज, हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का जो बेसिक नॉलेज है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, लेकिन फिलहाल हम जो है डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आंसर पे हम लोग धावा बोलेंगे, क्वेश्चन आंसर पे करेंगे। पहले इसको मेंटेन करेंगे, उसका बेसिक जो है इंश्योरेंस कंपनी का, इंश्योरेंस से रिलेटेड जितना भी बेसिक नॉलेज है और उसका टोटल ए टू जेड हम लोग वीडियो करेंगे, उस पर हम वीडियो मेकिंग करेंगे। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं, लगा होगा तो अच्छी बात है। तो इंश्योरेंस कंपनी का है तो आगे हम इसमें बहुत सारे डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड, लेकिन आज इतना ही कि रेवेन्यू अकाउंट बना देता है, प्रॉफिट एंड कॉस्ट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एट्रिब्यूशन अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रेवेन्यू अकाउंट के बारे में, तो रेवेन्यू अकाउंट से रिलेटेड हम सारा चीज में हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इस पे डिस्कस करेंगे, उस तरह से इंश्योरेंस कंपनी। ओके ओके, थैंक यू सो मच।